सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मैं करने वाली हूँ खुद का हेयर कट, बिकॉज काफ़ी टाइम से मैं बाल बढ़ा रही थी अपने भाई की शादी के लिए, जो मैं अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे कोविड हो गया था। बट अभी शादी तो हो गई उसकी, तो अब मैं हेयर कट करने वाली हूँ। बिकॉज क्या हो गया है कि कोविड होने के बाद मेडिसिन की वजह से या क्या है आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। सो आई थिंक कि अगर मैं थोड़ा हेयर कट करती हूँ तो मुझे मैनेज करने को भी ईजी होगा, एंड मैं अच्छे से सारी चीज़ें लाइक हेयर पैक्स और ऑयलिंग वगैरह भी बेटर तरीके से कर पाऊँगी और मैनेज कर पाऊँगी बालों को, एंड झड़ने से रोक पाऊँगी क्योंकि बहुत तेज़ी से बाल झड़ना है, मुझे टकना नहीं होना है फिलहाल। सो इसके लिए मैं स्ट्रेट तो नहीं काटने वाली हूँ बालों को, हल्का सा लेयर्स में स्टेप में काटने वाली हूँ, जो कि मैं पहले भी किया है। और इसके बाद मुझे कुछ रिक्वेस्ट भी आए थे वीडियो के लिए जो मैं नहीं बना पाई उस समय, लाइक 6-8 महीने पहले, जो मैं अभी बना रही हूँ, बिकॉज मैं बाल काट ही नहीं रही थी, मैं वेट कर रही थी अपने भाई की शादी का। बट ठीक है, अभी हो गया है वो, एंड लॉकडाउन चल रहा है तो एनी हाउ हम जा नहीं सकते हैं पार्लर और वगैरह वगैरह। वैसे भी आप लोग घर पे रहो, सब लोग सेफ रहो, मुझे तो अभी हो गया कोविड तो मुझे और भी ज़्यादा बच के रहने की जरूरत है क्योंकि इम्यूनिटी पूरी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, वैसे एंटीबॉडीज बन जाते हैं। बट ठीक है, ये सब बातें हम नहीं करेंगे अभी, इसके लिए एक अलग से वीडियो आने वाला है। बट अभी ये वाले वीडियो में हम करने वाले हैं हेयर कट, तो अब बातें बंद करते हैं, जल्दी से करते हैं हेयर कट। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे बालों को मैं नीचे कर लेती हूँ और कॉम करके स्ट्रेट कर लेती हूँ, स्ट्रेट मतलब साइड एंगल्स निकाल देती हूँ। इसके बाद बिल्कुल सामने पे यहाँ पे फोरहेड के सेंटर में जहाँ से आप मांग निकालते हो उस जगह पे इकट्ठे करके इनको पोनी बनानी है, बिल्कुल सेंटर पे। बहुत ही आराम से ये वाला चीज करना है क्योंकि बाल इधर उधर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सेंटर पे आने चाहिए। बिल्कुल सेंटर पे मैंने सामने पे पोनी बांध ली है। अब अगर आप देखोगे तो नीचे से बाल बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहे हैं क्योंकि पहले भी मैंने इसी तरीके से काटे हुए हैं। अब मैं बाकी के रबर्स डाल देती हूँ क्योंकि ये इतने लंबे हैं तो मैं नीचे से मैनेज नहीं कर पाऊंगी अगर मैंने सिर्फ एक रबर डाली तो, इसके लिए मैं उसको सिक्योर कर लेती हूँ। मेक श्योर ये रबर लगाते समय बाल टेढ़े मेढ़े ना, बहुत ही आराम से आपको ये सारे स्टेप्स करने हैं, जस्ट कि आपका हेयर कट परफेक्ट हो। आई नो आई एम लुकिंग फनी बट ये ऐसे ही करते हैं, ठीक है। देन लास्ट में यहाँ पर एक लगा देती हूँ जिसके नीचे से मुझे काटने हैं, बहुत ज्यादा बाल नहीं काटने वाली हूँ, बहुत थोड़े से, इतने बाल मैं काट रही हूँ सिर्फ इतने 1 इंच के हिसाब से, क्योंकि आई टेल यू द रीजन, बिकॉज ये 1 इंच जो मैं काट रही हूँ जब मैं इसे पीछे करूंगी और जब स्टेप्स में होंगे तो ये इतने आ जाएंगे, तो इसके लिए बी वेरी पर्टिकुलर। एक बार में बहुत ज्यादा बाल नहीं काटने, ठीक है, आराम से धीरे धीरे। तो ये मैंने यहाँ पर इसको सिक्योर कर लिया बालों को, अभी आप देख सकते हो सीधे बाल यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, सॉरी अभी आप देख सकते हो नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है बाल आपको, बस अब इसको बिल्कुल यही फॉलो करके स्ट्रेट ही काटना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर लाइट आ रही है और ये मेरे कपड़े से छुप जा रहा है, तो इधर करके काटती हूँ इसको, हम स्ट्रेट काट लेंगे, एकदम स्ट्रेट काटना है आपको पहले, बिल्कुल 1 इंच में काट के लेती हूँ यहाँ से। मेक श्योर आपके पास अच्छी वाली कैंची हो, 10 मिनट। तो ये मैंने स्ट्रेट कट कर लिए हैं, बहुत ज्यादा नहीं, मैंने बिल्कुल बिल्कुल 1 इंच के हिसाब से कट किया, अगर चाहिए तो उससे भी कम करके लो फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो तो। अभी आई जस्ट शो यू अब इसके साथ क्या करना है, अब जो करना है वो मेन है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डोंट वरी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वैसे भी हम इसको अब शेप करेंगे, क्योंकि अगर ये सीधा छोड़ोगे तो वैसे बिल्कुल सीधे सीधे स्ट्रैंड दिखने लगेंगे और हमको वो नहीं करना है, तो इसलिए हम अब क्या करेंगे, अब आपको कैंची पकड़नी है सीधी और उसको इस तरीके से इसमें ऐसा स्ट्रैंड कट करने है। ये मैंने रैंडमली कट लगा लिए इसमें और दिखने से ये स्ट्रेट ही दिखेगा, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा सी, बट अपन को क्या करना है इसमें से स्लैंटिंग
कैची चला लेंगे, इससे आपके जो खराब बाल होंगे वो भी काफी निकल जाएंगे। मैं तो यही करती हूँ यार, आई एम नॉट हेयर स्टाइलिस्ट बट ये मेरे लिए काम करता है। That's it. बस अब बिल्कुल ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए बिना I'll open my hairs. इस तरीके से आप देख सकते हो ये बाल कट चुके हैं और लेयर्स में कटे हैं। ठीक है, मैं इसको जल्दी से सेट करती हूँ, कंघी से। कंघी से क्या, मैं ऐसे ही सेट करके दिखा देती हूँ। ये देखो हमें दिख नहीं रहा है, अगर मैं कैमरा बंद करके ऑन करूंगी तो फिर आपको लगेगा मैं सेट कर रही हूँ, इसलिए मैं ये कंटिन्यू शॉट ले रही हूँ। तो ये देखो, ये आपको दिख रहा है टेढ़े हैं बाल, तो ये इस तरीके से दोनों तरफ से स्टेप्स में आ गए। सी, हमने बाल बिल्कुल सीधे काटे थे एंड ये बाल स्टेप्स में है। ठीक है, अब इसको बस हमको कुछ नहीं करना, अच्छे से कॉम करना है। और ये मैं आपको बताऊँ, अगर मेरे बाल की कितनी लेंथ कम हुई है तो इतनी लेंथ कम हुई है, अगर ऊपर के स्टैंडिंग दैट्स व्हाई मैं बोल रही थी ये सब एक इंच काटना है, क्योंकि नीचे वाला एक इंच कटता है बट उसके ऊपर के जो बाल होते हैं वो ज्यादा कट जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ से बाल पूरे नीचे लेके आ रहे हैं तो जो यहाँ के बाल होते हैं वो ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप ऐसे देखोगे तो देखो आप फर्स्ट स्टेप मेरा कहाँ दिख रहा है, काफी ऊपर दिख रहा है। अगर आपको अच्छे से दिख रहा हो तो फर्स्ट स्टेप काफी ऊपर आ रहा है, तो इस तरीके से वी शेप में आ गया बाल। तो दिस इज इट फॉर टुडे, मैं सेट करके एक बार जल्द से दिखाती हूँ, आप लोग ट्राई करना। बट हाँ, मैं फिर से बोल रही हूँ बिल्कुल एक इंच के साथ ट्राई करना, इसको अगर अच्छे से होता है एंड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ तभी उसको ज्यादा काटना, क्योंकि अगर आप एक साथ इतने या इतने बाल ऐसे काटोगे नीचे से तो जब आप उसको खोलोगे तो वो ये जो वी शेप आ रही है और बहुत इजीली ऐसे स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं ये शेप नहीं है, ये ऐसे स्टेप 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 दिखेंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, तो इसके लिए करो अच्छा होता है। चलो ओके, मैं सेट करके दिखाती हूँ।